नागपुर हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड नागपुर गटर पाइपलाइन 24 एमएलडी एसटीपी और एसबीआर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क 8 एमएलपी एसटीपी चंद्रपुर म्हाड़ा में 53,29,22,000 रुपयों की लागत से भवन का निर्माण ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस गटर पाइपलाइन एवं शुद्धिकरण केंद्र के इमारत में आई दरार की लिपापोती की है और पाइपलाइन के चेंबर में दरारें दिख रही है। इस कारण संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था के अध्यक्ष राजेश बेले ने म्हाड़ा की गटर पाइपलाइन के निकृष्ट दर्जा के निर्माण की जाँच की मांग की है। इस पर संज्ञान लेते हुए संरक्षक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने एक पत्र में म्हाड़ा के नागपुर मुख्य अधिकारी को गटर पाइपलाइन के काम की जांच करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चंद्रपुर म्हाड़ा में गटर ड्रेनेज केंद्र 24 एमएलडी एसटीपी और एसबीआर विद्युत और यांत्रिक कार्य 8 एमएलपी एसटीपी भवन का निर्माण घटिया गुणवत्ता वाले आरसीसी कंक्रीट और रेत गिट्टी और सीमेंट का उपयोग कर रहा है। बेले ने मांग की है कि कंत्राटदार कंपनी ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड पूरे काम की जांच की जाए और कंपनी को काली सूची में डाला जाए क्योंकि इसमें हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के मालिक द्वारा देना बैंक से ऋण चुकाने की क्षमता दिखाने वाला एक प्रमाण पत्र भी संलग्न है। चूंकि यह प्रमाण पत्र नियम के अनुरूप नहीं है इसलिए इसकी उच्चतम स्तर पर जांच किए जाने की जरूरत है। ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा संलग्न भी सभी दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही गटर पाइपलाइन और शुद्धिकरण केंद्र के निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग राजेश बेले ने मुख्यमंत्री और अभिभावक मंत्री से की है। इस पर संज्ञान लेते हुए संरक्षक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने म्हाड़ा नागपुर के अधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। नागपुर गृह निर्माण व विकास क्षेत्र अंतर्गत चंद्रपुर म्हाड़ा इथे सीवरेज पाइपलाइन चे गटर योजनेचे काम 53,29,22,000 रुपये इतके जे सुरू आहे ह्या कामामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणे निस्वृत्त दर्जाची सामग्री वापरून संपूर्ण काम म्हणजे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होऊन राहिलेला आहे व गटर पाइपलाइन टाकलेल्या चंबरचे संपूर्ण क्रॅशेस आता काम सुरू पूर्वी पडलेले आहे आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात निस्वृत्त दर्जाचे काम सुरू असतेवेळी आम्ही चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना निवेदन दिले आणि त्यांनी तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश गृहनिर्माण नागपूर यांच्याकडे पाठवण्यात आले। त्या चौकशीचा तत्काळ अहवाल येईल व जे दोषी आहे कॉन्ट्रॅक्टर ईगल इंफ्रा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना काढ्याआधी टाकण्यात यावे व उच्चस्तरीय चौकशी करून जे अधिकारी याच्यामध्ये भ्रष्टाचारामध्ये सामील आहे त्यांना निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी। हे संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेश बेले यांची मागणी आहे। बीसीएन न्यूज के लिए चंद्रपुर से प्रवीण बत्की की रिपोर्ट।